तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एसपीआर टेक में। चलिए दोस्तों आज के जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारी जो थंबनेल है वो पूरी फुल डाउनलोड नहीं हो रही है, आधी डाउनलोड हो रही है। हम जैसे कि आपने थंबनेल में यहाँ पर देख ही लिया होगा, उस तरीके से आपकी जो है थंबनेल में जो है फुल साइज में डाउनलोड नहीं हो रही है पिक्सल लैब में। तो गाइज हम उसको सॉल्यूशन है जो सही करने का, वो हम आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ करके दिखाने वाले हैं गाइज। तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए गाइज, तो तभी आपको समझ में आएगा यहाँ पर। तो चलिए गाइज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसे कि हम आ गए हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, और गाइज यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि हमारी ये थंबनेल है और इसको हम सेव करके देखेंगे गाइज। जैसे कि हम यहाँ पर फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है हमारा जो है थंबनेल, और हम यहाँ पर साइज भी सिलेक्ट हमने कर रखा है, जो यूट्यूब का साइज होता है उसी साइज में हमने यहाँ पर सिलेक्ट भी कर रखा है गाइज। तो यहाँ पर आपको हम सेव करके दिखा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सेव करते हैं, सेव वाले ऑप्शन पर, सेव इमेज वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे गाइज। तो जैसे कि यहाँ पर भी देख लीजिए आप, साइज सिलेक्ट है और यहाँ पर हम सेव करेंगे गाइज। जैसे कि हमने यहाँ पर सेव कर लिया है अपनी थंबनेल को, तो गाइज आपको यहाँ पर थंबनेल को सेव कर लिया है। अब हम यहाँ पर बैक जाके यहाँ पर गैलरी में ओपन करके इसको देखते हैं। तो गाइज इस तरीके से हमारी जो फुल स्क्रीन में यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रही है, ये देखिए आधी स्क्रीन में यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। ये वो जो साइज हमने सेलेक्ट किया था उस साइज में तो हो रही है, लेकिन जो हमारी जो हमारी थंबनेल है वो यहाँ पर आधी सेव हो रही है गाइज। ये देखिए हमने इतनी सारी यहाँ पर सेव करके देख ली है। तो गाइज यहाँ पर जो हमारी है थंबनेल यहाँ पर इस तरीके से पूरी फुल साइज में सेव नहीं हो रही है गाइज। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन है जो ठीक करने का, वो हम आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ यहाँ पर करके दिखा देते हैं गाइज। तो आपको करना क्या है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहता हूँ गाइज। तो गाइज आपको तो गाइज यहाँ पर आपको जो सारा क्लियर कर लेना है, इस तरीके से पूरा बैक कर लेना है, और यहाँ से आपको हटा देना है उसको, और यहाँ से दोबारा ऐसे अपने ऐप को यहाँ पर ओपन कर लेना है इस तरीके से, जैसे कि आपने नया ओपन किया हो इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स पर जाके यहाँ पर आपको साइज कर लेना है सिलेक्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल की साइज को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिया है। यहाँ पर जो आपको यूट्यूब थंबनेल की साइज में सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन में जाकर, और यहाँ पर आपको जो हमने थंबनेल में यहाँ पर लगाया था फ़ोटो, उस तरीके से आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं उस तरीके से आपको बैकग्राउंड डाल लेना है, और जैसे कि हमने यहाँ पर बैकग्राउंड डाल लिया है, प्लस वाले ऑप्शन पर जाके यहाँ पर हम अपनी जो डाउनलोड यहाँ पर हमारी पिक्चर्स है हम उसको यहाँ से ले लेते हैं इस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया है। और आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं आपकी पिक्चर्स, या जो अभी आपको यहाँ पर थंबनेल में बनाना है उस तरीके से आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो गाइज वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए, नहीं तो आप कहेंगे बाद में कि समझ में नहीं आएगा गाइज। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से प्लस वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट करना था वो यहाँ पर डाल लेना है, जैसे कि फ़ोटो में मैंने यहाँ पर अपनी फ़ोटो यहाँ पर ले रखी है, और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर टाइप करना है वो हाँ यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आप थंबनेल के बारे में जो यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जिस भी बारे में आप यहाँ पर थंबनेल को बनाना चाहते हैं गाइज। तो गाइज जैसे कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन कास्ट यहाँ पर लिख लेना है, जैसे कि स्क्रीन मिररिंग, जैसे कि जो कि मैं अपनी थंबनेल में बनाना चाहता हूँ गाइज। तो यहाँ पर मैं अपनी थंबनेल के हिसाब से यहाँ पर लिख लेता हूँ गाइज। तो यहाँ आप भी अपनी थंबनेल में यहाँ पर जो अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और लिखने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर यहाँ पर चले जाना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है, और यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर जाके यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर जहाँ पर एडजस्ट करना है उसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको साइज को यहाँ पर साइज को सिलेक्ट करके, और यहाँ पर इसको यहाँ पर जो आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं गाइस। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया है, उसमें आप मैं अपना शैडो भी डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा शैडो डाल दिया है तो थोड़ा और यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, या ये थोड़ा और ज़्यादा लुक देने लगेगा इस। तो इस तरीके से आप अपने थंबनेल के हिसाब से यहाँ पर सेव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कर लिया है नाम, और मैं यहाँ पर और जो भी यहाँ पर आपको टाइप करना है गाइस तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं गाइस। तो गाइस वीडियो को पूरा वॉच करना है तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से यहाँ पर पूरी थंबनेल सेव करके दिखाएंगे हम गाइस, वो भी आपको यहाँ पर हमने ये टाइप कर लिया है, और थोड़ा सा और हमारा थोड़ा सा और है जो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने ये टाइप कर लेना है, जैसे कि आप अपने अपने थंबनेल के हिसाब से जो भी आप थंबनेल बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये देखिए हम अपने हिसाब से यहाँ पर डाल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया है गाइस। तो यहाँ पर लिखने के बाद आपको यहाँ पर ओके दबा देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया है।
और हम यहाँ पर जो है ओके दबा के यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सेव कर लेते हैं गाइस इसको जो अभी हमने यहाँ पर डाला था। ये देखिए गाइस, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर जो है एडजस्ट कर लेते हैं इसको, जैसे कि हम इसमें शेडो भी डाल लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर इसको लुक भी चेंज कर लेंगे। फॉन्ट में जाके यहाँ पर इसको फॉन्ट को चेंज कर लिया है हमने, और यहाँ पर आपको यहाँ पर शेडो डाल लेना है, जैसे कि इसमें यहाँ पर शेडो दिखाई दे रहा है, शेडो पर कर लेना है ओके, और यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर इसको नीचे वाले ऑप्शन को भी इनेबल कर देना है, और यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं आप, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया है गाइस। तो इस तरीके से आप अपने थंबनेल में थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए आपको यहाँ पर शैडो डाल देना है। और गाइस तो हम यहाँ पर इसको एरो को भी लगा लेते हैं गाइस। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है आपको, यहाँ पर समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप यहाँ को फुल साइज में यहाँ पर डाउनलोड करना है, कैसे करना है गाइस। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरे बिना स्किप किए वीडियो को वॉच करना है गाइस। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से हमने इसको एरो को लगा लिया है गाइस। तो जैसे कि आप अपने हिसाब से एरो वगैरह जो भी आपका लोगो यहाँ पर लगाना चाहते हैं लोग लगा सकते हैं गाइस। तो जैसे कि हमें यहाँ पर एरो की ज़रूरत पड़ रही है तो हम यहाँ पर एरो लगा देते हैं इस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पर एरो लगा दिया है, उसमें अभी हमने कलर एक्सचेंज कर दिया है, जैसे कि आप अपने हिसाब से कलर एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें वो शैडो डाल दिया है, एरो में भी हमने शैडो डाल दिया है गाइस। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से शैडो डाल सकते हैं, जैसे कि हमने ये फोटो है हमारी, इसमें भी शैडो डाल दिया है इस तरीके से, इनेबल करके शैडो में इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको इनेबल कर सकते हैं शैडो को, तो शैडो को एडजस्ट भी कर सकते हैं गाइस। तो इतना काम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है गाइस। तो हमने इतना काम कर लिया है गाइस, तो आपका थोड़ा सा काम और है हमारा, जैसे कि हम यहाँ पर एक शैडो डाल देंगे, जैसे कि हमारा फोटो है, फोटो के आगे यहाँ पर हम एक शैडो ले, फोटो के हम आगे शैडो लगा देते हैं गाइस। तो हमारा इतना सा काम है गाइस। तो अभी हमने आपको यहाँ पर फाइनली हमारा जो काम है वो पूरा हो चुका है गाइस। तो आपको करना क्या है गाइस, तो आपको यहाँ पर सेव करना है, जो कि आपने सेव करना है, यहाँ पर सेव ए इमेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे और सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर सेव हो चुकी है गाइस, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी किस साइज में यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है गाइस। तो जिस तरीके से हम देख लेते हैं ओपन करके गाइस, तो ये देखिए हमारी जो अभी हमने डाउनलोड की है, तो यहाँ पर हमारी जो है फुल साइज में यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है गाइस। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए गाइस।